दुबे की गिरफ्तारी के बाद से लगातार सवाल उठ रहे हैं और यह उल्टा हो रहा है, क्योंकि खुशी होनी चाहिए जनता को भी और विपक्ष को भी, लेकिन खुशी नहीं है बल्कि सवाल उठ रहे हैं विकास दुबे की जिस तरह से गिरफ्तारी हुई है उसे बुनियादी तौर पर सरेंडर कहा जा रहा है और कहा जा रहा है कि सब कुछ फिक्स था। जंजवार के पास सैकड़ों कमेंट आए हैं जिसमें जनता के लोगों ने कहा है कि यह फिक्स है, और कुछ सवाल हैं जो हम आपके सामने रखना चाहते हैं जिससे क्लियर होना चाहिए कि यह सरेंडर था या गिरफ्तारी हो पाई थी। याद रखिए कि बड़ी बात यह है कि 6 राज्यों की पुलिस, लाखों पुलिस लगी हुई थी, लेकिन विकास दुबे पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ता है। वह चढ़ता किसके हत्थे है तो एक सिक्योरिटी गार्ड के हत्थे, जिसके हाथ में न कोई हथियार है न कुछ है, और वह सिक्योरिटी गार्ड एक ऐसे आदमी को पकड़ने की हिम्मत करता है जो सिर्फ 4 से 5 दिन पहले 8 पुलिस वालों की लाशें गिराता है, और वह भी पुलिस की गोलियों से ही मारता। इसलिए आइए हम आपको कुछ चीज़ें दिखाते हैं। सबसे पहले तो आप इस सिक्योरिटी गार्ड को देखिए। गार्ड के चेहरे को देखने की ज़रूरत नहीं है जनाब, इसके ड्रेस को देखिए और इस पर लिखा हुआ जो शब्द है उसे देखिए, SIS। और अब आप गूगल में चले जाइए, SIS लिखिए गूगल में, आपको पता चलेगा कि भारत के सबसे महंगे सांसदों में से एक RK सिन्हा की सिक्योरिटी एजेंसी है। RK सिन्हा आप गूगल में दोबारा लिखिए और देखिए RK सिन्हा कौन है। RK सिन्हा भारत की संसद में, राज्यसभा में पहुंचने वाले सबसे महंगे सांसद भाजपा के नेता हैं। हिंदुस्तान समाचार एजेंसी, हिंदुस्तान नहीं हिंदुस्तान, TH लगाइए, हिंदुस्तान समाचार एजेंसी जो 14 भाषाओं में चलती है, RSS की एजेंसी है, यह नेता है भाजपा के, राज्यसभा में बिहार से 2014 में चुन के गए, यह देश के सबसे महंगे राज्यसभा सांसदों में से एक है। उनकी सिक्योरिटी एजेंसी के गार्ड ने इस गैंगस्टर गुंडे को पकड़ा है निहत्थे रूप में, जो कि 8 पुलिस वालों को सिर्फ 5-6 दिन पहले जमींदोज कर चुका है, जमीन पर लिटा चुका है। इसलिए ध्यान दीजिए कि जब जनता कह रही है कि यह फिक्स था, सरेंडर था, तो जरूर इसका कोई मायने है। इसलिए जन आवाजों को, जनता की आवाजों को हमेशा जंजवार सुनता है, और हमने इसीलिए आपके सामने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया है कि सरकार को इस तरफ भी जांच करनी चाहिए। एक तो हमने लगातार अपनी वेबसाइट में, आप चले जाएं जंजवार.com पर देखें, एक तो हमने ये भी कहा है कि हो सकता है सिक्योरिटी गार्ड इस साजिश में शामिल ना हो। इसलिए पहली बात तो ये कि सिक्योरिटी गार्ड को पुरस्कृत किया जाना चाहिए, बेचारे ने जान जोखिम में डालकर उसको पकड़ा है, इसलिए 5 लाख का जो इनाम है इस सिक्योरिटी गार्ड को मिलना चाहिए। लेकिन दूसरी बात कि एक निहत्था सिक्योरिटी गार्ड SIS RK सिन्हा की कंपनी, ध्यान दीजिए RK सिन्हा वह व्यक्ति हैं जो 250 रुपये, ध्यान दीजिएगा 250 रुपये से 2700 करोड़ के आदमी बने हैं, और ये मैं नहीं कहता हूँ, ये वो खुद अपनी तारीफ में मीडिया से कहते हैं, फिर इसके लिए आप गूगल कर लीजिए। यानी इस पूरी साजिश में जहाँ एक तरफ विपक्ष कह रहा है कि नरोत्तम मिश्रा गृह मंत्री मध्य प्रदेश की जांच होनी चाहिए इस पूरी गिरफ्तारी में, वहीं यह दूसरा संदेह है कि उसको पकड़ता कौन है। भाजपा सांसद की सिक्योरिटी एजेंसी SIS का एक गार्ड पकड़ता है विकास दुबे को, जिसको कि 6 राज्यों की पुलिस, उत्तर प्रदेश की 2 लाख संख्या वाली पुलिस नहीं पकड़ पाती है। यह जरूर कुछ रहस्य है, और क्या यह माना जाए कि यह फिक्स था। नरोत्तम मिश्रा एक तरफ है, RK सिन्हा एक तरफ है, और बीच में यह बेचारा सिक्योरिटी गार्ड है जिसको कहीं बलि का बकरा तो नहीं बनाया गया है, क्योंकि कुछ साजिशें तो हैं। इतनी आसानी से बिना किसी हथियार के इतनी बेचारगी से पकड़ लिया गया है, और ये वही RK सिन्हा हैं। इनका एक दूसरा परिचय भी है, जब इनका नाम आ गया था पनामा लीक पेपर्स लीक कांड में, तो आप ध्यान दीजिए ये मुंह से नहीं बोलते थे, मुंह को चुप कर लिए थे, और सिर्फ ये ऐसा ही एक चुटकुना दिखाते थे।
ये वही आर के सिन्हा। आर के सिन्हा का रिश्ता हिंदुस्तान समाचार एजेंसी से है, हिंदुस्तान समाचार एजेंसी आरएसएस की न्यूज एजेंसी है, हिंदुवादी खबरों को देता है, वह कई सारी मैगजीन पत्रिकाएं और चीज़ें चलाता है। यानी आप सब कुछ अगर ये समझना चाहें, हम किसी परिणाम पर नहीं पहुंचना चाहते हैं क्योंकि यह जांच का विषय है, लेकिन जिस तरह के घटनाक्रम आ रहे हैं और विपक्ष जो संदेह जाहिर कर रहा है, वह सब कुछ साफ होना चाहिए। और जाहिर तौर पर उत्तर प्रदेश से जो डिमांड उठ रही है, वह उस डिमांड को भी काउंट देखा जाना चाहिए कि सारे नंबर अगर वाकई उत्तर प्रदेश पुलिस और योगी आदित्यनाथ की सरकार ईमानदारी से इस माफिया को निपटाना चाहती है, तो इसी माफिया के साथ साथ माफिया का पूरा जो तंत्र है, जो पूरा फैलाव है, उसको भी अगर नष्ट करना है और वाकई गुंडों को औकात में रखना है, तो इस विकास दुबे के मोबाइल नंबर के सभी वार्तालाप सार्वजनिक होने चाहिए और उन अधिकारियों के नाम, उन गुंडों के नाम, उन नेता टाइप गुंडों के नाम, गुंडा सेवकों के नाम सार्वजनिक होना चाहिए। तभी यह खुलकर सामने आएगा कि ऐसा क्या रहस्य हुआ है जिसके कारण आर के सिन्हा भाजपा नेता की सिक्योरिटी एजेंसी का गार्ड विकास दुबे जैसे माफिया और गैंगस्टर को पकड़ता है, जो AK-47 AK-47 और तमाम ऑटोमेटिक गन लेकर चलता है। वैसे माफिया को पकड़ने का साहस हमारे आईपीएस अधिकारी नहीं कर पाते, हमारे पढ़े लिखे लोग नहीं कर पाते, जो कि ट्रेंड होते हैं, लाखों रुपया जनता के टैक्स से जाता है, इन पुलिस वालों को ट्रेन करने के लिए दो दो साल की ट्रेनिंग लेते हैं, वह ट्रेंड लोग नहीं पकड़ पाते। एक आम सिक्योरिटी गार्ड 10-12 हज़ार की बमुश्किल नौकरी 12 घंटे की करता है, वह पकड़ लेता है। इस रहस्य की जांच जरूर की जानी चाहिए और आर के सिन्हा से जो रिश्ता है इस गिरफ्तारी का, उसको भी देखा जाना चाहिए। क्या यह सिर्फ संयोगिक है या फिर घटनाक्रम का हिस्सा है कि महाकाल के थानाध्यक्ष को एक दिन पहले हटा दिया जाता है, उसके एक दिन बाद गिरफ्तारी होती है। गिरफ्तारी जो है मध्य प्रदेश राज्य में होती है जहां भाजपा की सरकार है, उससे पहले वह मध्य प्रदेश, उससे पहले वह फिर एक बार भाजपा की सरकार में देखा जाता है और वो जगह है फरीदाबाद, और गिरफ्तारी होती है नरोत्तम मिश्रा के गृह, जिसमें गृह मंत्री है नरोत्तम मिश्रा मध्य प्रदेश के। और बड़ी बात है कि ये वही नरोत्तम मिश्रा हैं जो एक समय में कानपुर भाजपा के प्रभारी रहे, कानपुर बुंदेलखंड यानी बुंदेलखंड का जो हिस्सा है, और वहाँ विकास दुबे की तूती बोलती है, ये वहीं का नेता है, वहीं से गुंडा कम नेता के रूप में कन्वर्ट हुआ है। यानी सारे रहस्य जंजवार ने आपके सामने खोल दिए हैं। अब आपकी समझदारी और सोच पर है कि आप क्या सोचते हैं इसमें। सिक्योरिटी गार्ड को हम बहुत जोर देकर कहना चाहते हैं कि इसको 5 लाख का इनाम दिया जाना चाहिए। साथ ही साथ इसका भाजपा नेता से क्या रिश्ता है, सिक्योरिटी गार्ड कैसे गिरफ्तार करता है, इसकी भी जांच होनी चाहिए। और दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए, क्योंकि इस देश का संकट विकास दुबे अकेला नहीं है, बल्कि माफिया तंत्र है, और माफिया तंत्र पर अंकुश तभी लगेगा, जोरदार हथौड़ा तभी लगेगा, जबकि पूरे माफिया तंत्र को खोलने के लिए योगी आदित्यनाथ की सरकार इस माफिया और गुंडे विकास दुबे के एक एक फोन नंबर को सार्वजनिक करे, बातों को सार्वजनिक करे, तभी जाकर ये अधिकारी जो छुपे हुए हैं, थानों में बैठे हुए हैं, जो जांच एजेंसियों के खुद दुश्मन हैं और ये गुंडा सेवक बन चुके हैं, इनकी भी पोल कल खुलेगी और लोकतंत्र मजबूत होगा।